लालकुआ कोतवाली पुलिस ने टैंकरों से डीजल पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 11,000 लीटर डीजल, टैंकरों से तेल निकलने वाली मशीन और कटर सहित अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह बीते कई महीनों से इस तरह का काम कर रहा है। डीजल पेट्रोल चोरी करने के इस खेल में टैंकरों के चालक भी मिले हुए हैं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी अभिनव चौधरी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि टैंकर से पेट्रोल पंप को तेल भेजा जाता है, लेकिन तेल टैंकरों से रास्ते में तेल चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऑयल डिपो प्रबंधक ने लालकुआ कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ में बताया कि तेल टैंकर में डिजिटल लॉक होने के बावजूद भी आरोपी पाइप की कटिंग कर ऑयल चोरी किया करते थे, फिर नई टेक्नोलॉजी से पाइप को जोड़ देते थे। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। तेल डिपो है तो यहाँ से इनकी काफी टाइम से शिकायत आ रही थी कि हमारे यहाँ से जो गाड़ियाँ तेल लेके जाती हैं, बीच में शायद उनसे कुछ छेड़छाड़ की जाती है और उनसे तेल निकाला जाता है, क्योंकि उनमें ई लॉक सिस्टम होता है। तो जो वो लॉक है वो जहाँ जहाँ से भरा गया और जहाँ रिसीविंग एंड है वहीं तक जो है खुलता है। तो ये लोग क्या करते थे, ग्रोह सक्रिय था इसमें, जो कि उन गाड़ियों के ई लॉक को बिना छेड़े और उन पाइप की कटिंग जो लॉक के पाइप थे उसमें से वो उनको काट के और तेल निकालने के बाद में फिर उसको वेल्ड करके उसको ग्राइंड करके उसको पेंट कर देते थे, जिससे कि चोरी का पता नहीं लगता था।